हमारे चैनल इंडियन एयरलाइंस में स्वागत है। रोज सुबह की तरह आज भी हम एयरलाइंस की खास खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज एयरलाइंस की खास खबरों में बहुत कुछ रहने वाला है, तो चलिए पहले चलते हैं डोमेस्टिक खबरों की तरफ। आपको बताना चाहेंगे कि बीते कल देश में 400 डोमेस्टिक फ्लाइटें ऑपरेट हुई, जिसमें 62,641 पैसेंजर्स अपने घर पहुंच पाए। इसकी जानकारी खुद हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से दी है। एयरलाइन से अगली खबर लेते हैं एक ऐसे परिवार से जिन्होंने अपनी 3 बकरियों को बेचकर इंडिगो की फ्लाइट की टिकट ली थी, लेकिन कोलकाता एयरपोर्ट के बंद होने के कारण इंडिगो को वो फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर हरदीप सिंह पुरी और ट्विटर पर डाली गई, उसके तुरंत बाद इंडिगो से इन कस्टमर के लिए बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के ही 1 जून की कन्फर्म बुकिंग दिला दी गई। एयरलाइन से अगली खबर लेते हैं कोलकाता एयरपोर्ट से। आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट की शुरुआत आज से हो रही है और कोलकाता एयरपोर्ट से आज पहले दिन 10 फ्लाइटें ऑपरेट होंगी। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो कोलकाता एयरपोर्ट पर ट्रैवल करना चाहते थे। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है DGCA से। आपको बता दें कि DGCA ने 30 जून तक 2,800 डोमेस्टिक फ्लाइटें ऑपरेट करने का अप्रूवल दे दिया है, यानी कि 30 जून तक 2,800 फ्लाइटें देश में उड़ पाएंगी। आप नजर डालते हैं इंटरनेशनल खबरों की तरफ, तो पहली खबर लेते हैं कतर एयरवेज से। आपको बताना चाहेंगे कि कतर एयरवेज, जो कि लॉकडाउन के समय भी लगभग अपनी 30 डेस्टिनेशन में अपनी उड़ानें भर रही थी, अब उसने ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट किया है कि वह जून महीने में 80 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानें शुरू करने वाली है। लेकिन इसमें भारत शामिल नहीं है, क्योंकि भारत में अभी इंटरनेशनल उड़ानों को परमिशन नहीं दी गई है। इंटरनेशनल खबरों में अगली खबर लेते हैं आईटा से। आपको बताना चाहेंगे कि आईटा, जो कि एयरलाइन कंपनियों को रेगुलेट करने का काम करती है, उसने एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आईटा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एयरलाइन कंपनियों के ऊपर उनके कर्ज का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौजूदा हालात में एयरलाइन कंपनियां इस समय ग्राउंडेड हो गई हैं और अपनी कोई भी उड़ाने नहीं भर पा रही हैं, और वहीं उनके कर्ज और ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल खबरों में अगली खबर लेते हैं वंदे भारत मिशन से। आपको बताना चाहेंगे कि वंदे भारत मिशन में एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट की बुकिंग के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है, जिसकी जानकारी खुद मीडिया रिपोर्ट्स और विदेश मंत्री के हवाले से आई है। आपको बता दें कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर आ रहे आई के बटन को प्रेस करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें आज देश में वंदे भारत मिशन के तहत दूसरे देशों से आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइटों के बारे में, तो उसकी लिस्ट इस प्रकार से है, जो कि आज यानी 28 तारीख को देश में लैंड होंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज एयरलाइंस की सुबह की बड़ी खबरें। अगर आप रोजाना सुबह की एयरलाइंस की न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल इंडियन एयरलाइंस के साथ बने रहिए।